दोस्तों इस वक्त आपके सामने हैं पाव और छोले। जी हाँ, आपने छोले चावल बहुत खाए होंगे, छोले की अलग अलग तरह की सब्जियां रेसिपी देखी होगी, लेकिन इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये हैं मुरादाबाद के स्पेशल पाव छोले, मुल्तानी छोले और पाव। हम हैं इस वक्त मुरादाबाद में गुरहट्टी में, और यहाँ पर पिछले कई सालों से ये जो मुल्तानी छोले चावल वाले हैं ये दे रहे हैं अपने छोले चावल और पाव चावल, और साथ में सूप भी देते हैं फ्री में। हाँ, एक इनका स्पेशल सूप है जो अगर आप कुछ और साथ में नहीं खा रहे तो वो 15 रुपए का आई गेस गिलास देते हैं ये, अदरवाइज वो कुछ खा रहे तो साथ में फ्री देते हैं। उसके अलावा कोई सादा पत्ता है वो क्या इनसे पूछते हैं स्पेशल पत्ते में क्या होता है। ये देखो ये क्या क्या डाला, क्या क्या डाला भैया आपने नीरज पाव के अंदर? इसमें नमक, छोले में डिप करके छोले डालते हैं, नमक, गरम मसाला, मिर्च, टमाटर, अनारदाने की चटनी, पालक, मेथी, देसी घी, आलू पालक होता है इसमें, मिक्स कर दिया भाई। पाव छोले देखिए, पहली बार देख रहे होंगे आप, ये डाले इन्होंने आलू उबला हुआ और देसी घी डाला हुआ है इसमें, और ऊपर से डाल दिया देसी घी। वाह, मेरे मुँह में पानी आ गया। फिर चावल डले, मोठ की वड़ी, मोठ की वड़ी डली, मुँह में पानी आ गया। इससे पहले ये क्या डाला? साबुत मूंग होते हैं, साबुत मूंग डाली है ना। हाँ, पनीर डाला, प्याज है ऊपर से, और ये कंप्लीट हो चुका। कितने का है ये पाव छोले? 40 रुपीज़ का। भैया ये कॉम्बिनेशन इससे पहले हमने ना तो देखा ना सुना था, दीपक जी क्यों? मैंने तो नहीं सुना जी इस तरह का कोई भी कॉम्बिनेशन कभी। और हमें लाने और... वाले कौन है यहाँ पे, उनसे भी बात कर लेते। हमें लाने वाले हैं यहाँ पर हमारे रोहित खन्ना भाई। रोहित खन्ना भाई मुरादाबाद के रहने वाले हैं, फैशन फोटोग्राफर हैं, है ना। तो रोहित भाई जैसे ही हमें मिले तो इन्होंने कहा मैं लेकर चलता हूँ आपको मुल्तानी चावल छोले वालों के पास। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मुझे हो गए करीबन 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। क्या खास टेस्ट है? टेस्ट इनका छोलों का टेस्ट बहुत अच्छा है, ऊपर से पाव जब ये डिप करके देते हैं उसमें तो वो अंदर तक रसा उसमें फिल हो जाता है, तो वो सॉफ्ट हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। चलिए इना जी ट्राई कर लेते हैं एक बार। ये है पाव छोले जो मैं पहली बार खाने जा रहा हूँ, इसके ऊपर इन्होंने चटनी भी डाली है, प्याज भी डाली है, आज दीपक जी चटनी भी डाली है, पनीर भी डाला है और चावल हैं। वाह, कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। इससे पहले मैंने नहीं खाया ये, आपने भी नहीं देखा होगा। पाव छोले 4 रुपए की प्लेट है। मुल्तानी छोले का रंग लाल कैसे है भैया? रेसिपी में मुल्तानी पंजाबी डिश है। ओके, पंजाबी डिश है। और मैं खाने बताओगे नहीं मुझे सीक्रेट कि ये छोलों का रंग लाल कैसे होता है? बताओगे भैया लाल कैसे है? कुछ गरम मसाले, हल्दी को भून के तैयार करके उसमें आम वाली खटाई को भून के फिर तैयार करा जाता है। आम वाली खटाई से भूनते हैं इन छोलों को? यार मैं खाने के लिए एक्साइटेड हूँ। क्या है सर, आप पहले टेस्ट कीजिए, मैं भी खाती हूँ। वाह, जबरदस्त टेस्ट, मतलब दीपक जी मजा आ गया ना, आना सफल हो गया मुरादाबाद। अब ये बेटर है, बहुत बहुत बेटर है, मतलब ये हींग डोमिनेट नहीं कर रही। प्लस ये दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट जो मैंने पहले नहीं खाया हुआ कभी, इस तरह का कॉम्बिनेशन तो मैंने भी नहीं खाया। हाँ, तो एक डिफरेंट सी आइटम है, डिफरेंट टेस्ट है, डिफरेंट स्पाइसेस हैं, और सबसे अच्छी बात है जो करी में जो पाव है वो जस्प हो गया है बिल्कुल। और वो बिल्कुल जो एक मुंह में जाते ही एक स्मूथ सी फीलिंग आ रही है, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और भैया देसी घी का इसमें जो हल्का हल्का स्वाद आ रहा है ना, वो भी इसको अलग बना रहा है। मैंने ये जो बाइट ली है इसके अंदर हरे वाले मोठ भी हैं साथ में, और पनीर भी है, और ये पाव अच्छे से डिप हुआ हुआ है, तो अब मैं इसको प्रॉपर वाला बाइट टेस्ट करने वाली हूँ। माइक टेस्ट करूँगी या पाव टेस्ट करूँगी? मोट के साथ ज़्यादा स्वाद है, खा के देखिए सर। इसका तो हर एक बाइट, इसका तो अलग ही स्वाद आ रहा है, इसका तो हर एक बाइट बड़ा जबरदस्त है। वादवा साहब ये आलू अलग से ऐड किए हैं, आलू तो खाएगा, खा ले। हम हाइप लाए थे कि मुरादाबादी दाल खाएंगे, मुझे लग रहा है जैसे मुल्तानी छोले बहुत बेटर हैं उससे। थैंक्स टू रोहित जी जो हमें लेके आए। रोहित भाई कैसा लगा? बहुत बढ़िया, मजा आ गया रोहित भाई, मजा आ गया बहुत। एक नई चीज से इंट्रोड्यूस कराया, और दूसरा हमने इस तरह का, हम बहुत मतलब मैं जो हूँ
आप देखें इनके 3000 से ज़्यादा वीडियो हैं खिचड़ी चैनल पे, और हमने बहुत चीज़ें ट्राई करी हैं, बहुत करा है, ये लोग तो करते ही रहते हैं, लेकिन हमने कभी ये आइटम नहीं खाई। सो दिस इज़ प्योरली डिफरेंट। दोबारा आके खाओगे यहाँ पे? मैं दोबारा आ सकता हूँ जी। बहुत बढ़िया। अगर मैं कभी मुरादाबाद आऊँगा दोबारा तो मैं यहाँ जरूर। रोहित भाई, मुरादाबाद के लोगों की खासियत क्या है? भैया खासियत देखो बहुत सारी हैं, ऐसे तो मैं आपको बताऊं। आपकी खासियत क्या? भैया मेरी खासियत आपके साथ आ गया इससे बड़ी और क्या लोगी। अरे वाह, रोहित भाई हमारे साथ एक बार कहने से चल रही है कि चलो मैं लेकर चलता हूं तुम्हें, कराता हूं फूड टूर और मुल्तानी छोले चावल छोले खिलाता हूं। तो अगर आप दोस्तों ट्राई करना चाहते हैं कुछ अलग तरह के छोले चावल और ये छोले पाव जो है, तो एक बार मुरादाबाद है, मुरादाबाद के आसपास है, यहाँ पर ज़रूर आएँ। गुरहट्टी जगह का नाम है, मुल्तानी चावल छोले का ये काट है, देखिए। बाद में सिर्फ एक यहीं पे मिलते हैं या कहीं और भी मिलते हैं? हाँ जी, ये हमारी शॉप का एड्रेस है, गुरट्टी चौराहा, नियर गुरट्टी चौराहा, कोर्ट रोड, मुरादाबाद। अच्छा, किसने स्टार्ट किया नीरज भाई काम? ये हमारे ये वैसे तो हमारे फादर से के जो गुरु थे वो 47 के बाद यहाँ आए हुए थे, उससे पहले हमारे पाप गुरु जी का काम था, उसके बाद फादर देखते थे, फादर के बाद लगभग 12-13 साल से मैं देख रहा हूँ। गुरुजी ने कितने रुपए से की थी अगर आपको? फोटो लग रहा है, नहीं मैं तो उस समय मैं ही नहीं होऊंगा 47 के बच्चे, पापा जी साथ में रहते थे। अच्छा। तो ये पूरे मुरादाबाद में सिर्फ आपके पास ही मिलता है या कहीं और? नहीं, ये अपने पास ही है पूरी रेसिपी हमारे पास। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर मुल्तानी चावल छोले पे क्या है। स्पेशल सूप मिलता है 15 रुपए का, सादा पत्ता है 20 रुपए का, स्पेशल पत्ता है 30 रुपए का, और बहुत सी आइटम है इनके पास। 40 रुपए का हमने ये पाव और चावल छोले खाए हैं, तो जल्दी से यहाँ पर एक बार आइए। सूप भी ट्राई करेंगे अभी? सूप भी ट्राई करेंगे, सूप दिखाना थोड़ा। चलिए सूप भी ट्राई करते हैं इनका, और सूप ऑलरेडी बना हुआ है। चने और हींग का सूप है, बॉयल करते पे हम चनों को बॉयल करते पे सूप निकाल लेते हैं उसका पानी, उसमें हम हींग डालते हैं, हींग जीरे का छौंक होता है, गरम मसाला होता है, अनारदाना होता है, उसके बाद ये बॉयल करते पे होता है। उसके बाद अब ये ऊपर से प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं, इसे ये नमक डाला, गरम मसाला, चटनी, पालक, ये देसी घी, ये नींबू। ये सूप पनीर है, ब्रेड क्रम्स हैं, वाह भाई वाह। इना आपको पी के बताएगी? एक एक गिलास बनवा देती हूँ। नहीं, इना पी के बताएगी आपको, या दीपक जी आप ट्राई करने वाले हैं? सर से आज ट्राई कर रहा हूं, मेरी स्पेशल गेस्ट है सर। वाह, दीपक सर ट्राई करने वाले हैं। ऑनेस्टली सेइंग बहुत अच्छा है, मैं टेस्ट को शायद डिस्क्राइब ना कर पाऊँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं इसमें, तो सर आप लेकिन पी के बता दीजिए, लोग समझ जाएंगे। नहीं नहीं, आप पियो। नींबू का टेस्ट है, घी डाला है इन्होंने, चने का जो तरी होती है, चने का पानी, उसका टेस्ट आ रहा है बिल्कुल, पालक का भी आ रहा है, ब्रेड के जो इन्होंने वो पीसेस डाले हैं वो भी हैं, कुल मिलाकर बहुत अच्छा टेस्ट है। और एक अब मुझे लग रहा है थोड़ा हेल्दी है ये, अच्छा हेल्दी लग रहा है। अच्छा, हमने भगवती के यहाँ पर भी एक बार चना सूप पिया था, तो वो और ये डिफरेंट है, डिफरेंट कंपैरिजन नहीं कर सकते, अलग अलग जगह का अलग अलग टेस्ट है। हाँ, लेकिन ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा था, ट्राई ज़रूर करना चाहिए आकर आप लोगों को। और इनका पाव और छोले चावल मुझे बहुत अच्छा लगा, ये भी बहुत अच्छा लगा, तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर मुरादाबाद है, मुरादाबाद के आसपास हैं तो जल्दी से एक बार यहाँ पर आके ज़रूर ट्राई कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए खिचड़ी द फूड चैनल के साथ। फूड चैनल, थैंक यू, बाय बाय।